वीडियो पूरा देखना, अच्छे लगने पर वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज, मेरे 200 सब्सक्राइबर्स काफ़ी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। है व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे। तो गाइस, हम आज फिर से आ चुके हैं पबजी मोबाइल लाइट का एक नया वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो में मैं काफ़ी सारा बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा एंड जिसे यूज़ करके तुम बढ़िया आसानी से रैंक पुश कर सकते हो एंड बंदों को आसानी से मार सकते हो। तो गाइस, अभी ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा जो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा एक नया ईयरफोन से, जिस ईयरफोन का मैं अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ। एंड गाइस, सच बता तो इसका जो माइक है ना, मुझे काफ़ी ऑसम लगा। मतलब ईयरफोन में इतना अच्छा माइक लेना भाई मुश्किल ही है। एंड गाइस, इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, 399 है। तो गाइस, मुझे लगता है 399 में ये काफ़ी बढ़िया डील हो सकता है। तो गाइस, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड तुम लोग अगर अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो क्या कर रहे हो यार, ज्वाइन हो जाओ, मज़ा होता है उधर। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। गैस, पहला वाला ट्रिक करने में मुझे हेल्प किया था डेविल गेमर 3.0 भैया ने। तो गैस, तुम लोग जाके उसे थोड़ा सपोर्ट कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गैस, हम आ चुके हैं हमारा पहला ट्रिक में जो कि वर्क करता है इस जैसा हाउस में। तो इस जैसा घर तुम्हें काफी एरिया में मिल जाएगा, हम अभी है ओल्ड बसिन पर। तो गैस, इस जैसा घर में जब भी जोन पड़ता है ना, तो गैस मैं करता क्या हूँ, जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी के पास जो घर होता है, उस घर में मैं जाके काफ़ी ज़्यादा टीपीपी लेके बैठा होता हूँ एंड मेरे पास होता है शॉट गन, तो सारे बंदों को मैं इधर से फिनिश कर देता हूँ। तो गैस, तुम लोग जब खेलोगे तो मेरे जैसा बंदर से बचने के लिए तुम इसे यूज़ कर सकते हो। तो गैस, जैसे कि मैं मेरे टीममेट को ऐसे खड़ा कर दिया, तुम लोगों को भी मेरे तुम्हारे टीममेट को ऐसे ही खड़ा कर देना पड़ेगा एंड तुम्हें 2-3 बार जंप करना पड़ेगा। एंड जब भी तुम लोग जंप करोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर ग्लिच करके थोड़ा ऊपर आ जाएगा एंड तुम्हें मिल जाएगा एक बढ़िया व्यू। एंड गैस, अगर कोई भी इधर कैम करता है ना, तो तुम लोग उसका नाम, खुद का नाम ही भूल जाएगा वो बंदा। तो गैस, इसका एक माइनस भी पॉइंट है, तो इसे करने के लिए तुम्हें डो या फिर स्क्वाड खेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर तुम सोलो भी खेल रहे हो एंड तुम्हें लग रहा है कि इस घर के छत के ऊपर कोई बंदर कैम करके बैठा हुआ है, तो तुम छत के ऊपर आसानी से जा पाओगे एंड जो भी बंदा उधर कैम कर रहा है ना यार, उसे आसानी से मार पाओगे एंड वो सोचेगा तुम जरूर है करो। तो यार चलो, हम पहले और भी जो ट्रिक बाकी है उसे पहले देख लेते हैं एंड उसके बाद इस घर में सोलो में चढ़ने के उपाय मैं दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग अगर डुओ या फिर स्क्वाड खेलते हो तो तुम्हारे लिए तो ये ट्रिक काफ़ी बढ़िया होने वाला है। तो तुम लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो एंड ये ट्रिक कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाता रहूँगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट वाला ट्रिक वर्क करता है कोई भी 3-स्टोरी बिल्डिंग में। मतलब पूरा मैप में 20-30 थ्री स्टोरी बिल्डिंग तो तुम लोग को मिल ही जाएगा, सब में वर्क करेगा। तो गैस, तुम्हें तो पता ही है 3-स्टोरी बिल्डिंग में कितना बंदा कैम करते हैं इधर या फिर इधर, क्योंकि इधर थोड़ा ग्लिच होता है ना। अगर किसी के पास शॉटगन है तो इस जो सीढ़ियो है, सीढ़ियों के नीचे से कोई भी ग्लिच करके आसानी से बंदों को मार सकता है एंड उनके पास तो टीवीपी का एडवांटेज होता ही है। तो समझ लो, अगर तुम इधर से आ रहे हो एंड कोई भी इधर बैठा है, तो उनके पास टीवीपी का एडवांटेज है प्लस शॉटगन है, भाई पंगा मत लो उससे। तो गैस, इन लोगों से बचने के लिए मैं जो कर रहा हूँ, ये ट्रिक अगर अप्लाई करोगे तो काफ़ी वर्कफुल होगा। तो गैस, तुम्हें बस ये जो खिड़की दिख रहा है, इधर आके बस तुम 2-3 बार जंप करो एंड खिड़की के ऊपर ऐसे आ जाओगे एंड फिर से 2 बार तुम जंप करो तो तुम्हारा लेज ग्रिप हो जाएगा। जब भी लेज ग्रिप हो जाएगा तुम इस खिड़की से अंदर आ जाओ। तो जब भी तुम अंदर आ जाओगे तो जो भी बंदा इधर टीपी लेके बैठा है, तो तुम लोग उसे आसानी से मार सकोगे। तो गैस, वो बंदा तो सोचेगा कि तुम लोग हैक कर रहे हो, जंप हैक करके इतना ऊपर आ गए हो, लेकिन उनको कैसे पता कि तुम लोग तो ट्रिक यूज़ कर रहे हो। यार, मुझे तो लगता है ये ट्रिक काफ़ी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हर जगह ये 3-स्टोरी बिल्डिंग तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा एंड सिचुएशन के हिसाब से तुम लोग इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये ट्रिक कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि ऐसा ट्रिक अगर तुम्हें पसंद आता है तो मैं और भी बिल्डिंग्स में ट्राई करके तुम्हें वीडियो ला के दूंगा। तो ज़रूर कमेंट कर देना एंड अगर ये ट्रिक अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो ताकि और भी बंदा जान पाए ये ट्रिक के बारे में। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट वाला टिप वर्क करता है फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में काफ़ी सारा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं डाल चुका हूँ पिछले वाला टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद में। तो गाइस, उसी को एक बार हम एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएंगे। तो गाइस देखो, ये जो छोटा वाला तुम्हें घर दिख रहा है, इस घर के ऊपर तुम बिना किसी कार के मदद से, बिना किसी दोस्त के मदद से चढ़ सकते हो। तो तुम्हें ये जो दरवाज़ा बाहर की तरफ खोल लेना है, जैसे कि मैं खोल लिया एंड तुम्हें पहले वाला जो मैं ट्रिक दिखाया था, तुम लोगों को बस ऐसे ही सेम कर लेना है।
तो तुम लोग जब इसके ऊपर चढ़ जाओगे तो देखो मैं क्या क्या करता हूँ, तुम लोगों को बस वही करना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हो मैं जब दूसरा ये जो घर में आ गया तो जाने के बाद मैं से आ गया एंड मैं जंप को स्पैम कर रहा था तो मेरा लेज ग्रिप हो गया एंड मैं इधर आ गया। तो गाइस जब भी तुम लोग इधर आओगे ना तो तुम्हें काफ़ी अच्छा व्यूइंग एंगल मिलेगा। देखो मैं एक बंदों को निपटा दिया एंड वो बंदा सोच रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो गाइस देखो तुम लोग ऐसे आके तुम लोग काफ़ी अच्छे से कैंप कर सकते हो। एंड मैं जो पहले वाला ट्रिक दिखाया था ना, पहले वाला टिप्स एंड ट्रिक्स में, तो वो काफ़ी ओपन प्लेस था। मुझे एक कमेंट भी किया था एक भाई ने कि भाई ये तो ओपन प्लेस है, तो भाई ये मैं तुम्हारे लिए स्पेशली इसे ढूंढ के बना दिया, तो तुम इसे देखो, अच्छा लगा तो लाइक करो। एंड गाइस काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि जो दीवार है दीवार के ऊपर से भी बंदा चढ़ के उधर जा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तुम लोग किसी भी हालत से ट्राई कर लो, ये दरवाज़ा के सामने से भी ट्राई कर लो, नहीं होगा। तो चलो चल के देखते हैं नेक्स्ट कौन सा ट्रिक हमारे लिए वेट कर रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे लास्ट ट्रिक में। तो गाइस लास्ट ट्रिक वर्क करता है इस जैसे बिल्डिंग में, जैसे कि मैं फर्स्ट ट्रिक में बताया, तो जो फर्स्ट ट्रिक में दिखाया था वो तो वर्क करता है सोलो, सोलो में तो वर्क नहीं करता है, डुओ या फिर स्क्वाड में वर्क करता है। लेकिन अगर कोई सोलो तुम खेल रहे हो एंड छत के ऊपर बंदा कैंप करके बैठा है तो गाइस तुम बस ऐसे फ्लोर पर आ जाओ एंड दरवाज़ा को बाहर की तरफ खोल दो एंड खोल के ही ऐसे तुम आ जाओ एंड लेज ग्रिप कर लो। तो तुम्हारा लेज ग्रिप जब भी हो जाएगा तो जो भी बंदा इधर ऊपर कैंप कर रहा है तो उसे जाके तुम लोग आसानी से मर सकोगे। तो गाइस इस ट्रिक को मैं बिल्कुल लास्ट में रखा क्योंकि ये ट्रिक काफ़ी सारे बंदों को पता है एंड काफ़ी सारे बंदों को पता भी नहीं है, तो उसी के लिए मैं इस ट्रिक को बिल्कुल लास्ट में रखा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो गाइस आज के लिए सेव इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।